गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो है क्लास थर्ड के लिए साइंस है। सेकंड चैप्टर है, चैप्टर का नाम बर्ड्स। बर्ड्स जानते हैं जो चिड़ियाँ होती हैं, तो इस चैप्टर में जो एक बर्ड्स होती है, बर्ड्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि बर्ड्स के पार्ट कौन कौन से हैं, उनके जो है फीचर्स क्या होते हैं जिससे वो फ्लाई कर सकते हैं। तो ये सब जो है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। एम है आई विल लर्न अबाउट, मतलब कि हम लोग इसमें सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए बर्ड्स बॉडी, इट्स फीचर्स विच हेल्प ए बर्ड टू फ्लाई। मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ ए बर्ड्स, मतलब कि जो स्ट्रक्चर होती है, बनावट होती है बॉडी जो है बर्ड्स की, बॉडी की बनावट कैसी होती है उसके बारे में देखेंगे। इट्स फीचर्स, और इसके फीचर्स क्या हैं, गुड क्या हैं, ठीक है, विच हेल्प ए बर्ड टू फ्लाई, जिससे कि वो हेल्प करता है बर्ड को फ्लाई करने के लिए, उड़ने में वो हेल्पफुल होता है, उसके फीचर्स क्या हैं। दूसरा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर बीक्स क्लॉज एंड फीट, कि जो अलग अलग टाइप के बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स एक ही टाइप का नहीं होता, ठीक है, अलग अलग टाइप के बर्ड्स जो होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बीक्स, बीक्स मीन्स जो उनकी चोंच होती है, बीक्स मीन्स चोंच, क्लॉज, क्लॉज मीन्स जो पंजे होते हैं उनके, जो पंजे होते हैं, और फीट जो पैर होते हैं, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट दे मेक फॉर द सुटेबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंट दे लिव इन, कह रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, टाइप मीन्स प्रकार, नेस्ट, नेस्ट जानते हैं नर्सरी में पढ़े होंगे, नेस्ट मीन्स घोंसला जो उनका जो जिसमें रहते हैं वो घोंसला। दे मेक फॉर द सुटेबिलिटी, जो बनाते हैं, मेक मीन्स बनाना, सुटेबिलिटी मीन्स कि जो मतलब कि एकदम उनके सुटेबल हो, मतलब कि जो है उनके अनुरूप हो, सुटेबल हो, वैसे ही कि मतलब कि जिस तरह से वो रहते हैं, जिस तरह से उनका रहन सहन होता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, ऑफ इन्वायरमेंट दे लिव इन, ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ वो रहते हैं। अब चैप्टर शुरू करते हैं। कह रहा हैव यू एवर थॉट ऑफ फ्लाइंग इन एयर जस्ट लाइक बर्ड्स, इफ़ यस देयर इज नो वंडर बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स टू फ्लाई बट कैनॉट, रीजन बिहाइंड दिस विल बी फाउंड इफ वी स्टडी अबाउट बर्ड्स। कह रहा कि हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, एवर मीन्स कभी भी, थॉट मीन्स सोचना, ऑफ फ्लाइंग इन एयर, हवा में उड़ने के लिए, फ्लाइंग मीन्स उड़ना, एयर मीन्स हवा में, जस्ट लाइक बर्ड्स, जैसे कि बर्ड्स उड़ती हैं। इसका कहने मतलब है कि क्या कभी आपने सोचा हवा में उड़ने के लिए, जैसे कि बर्ड्स उड़ती हैं वैसे हम भी उड़ लें। इफ़ यस, यदि हाँ, देयर इज़ नो वंडर, देयर इज़ नो वंडर, वंडर मीन्स अचंभा होता है, अचंभित होना, देयर इज़ नो वंडर बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स टू फ्लाई, क्योंकि जो है सभी लोग उड़ना चाहते हैं, एवरी वन, एवरी वन मीन्स सभी लोग, बिकॉज मीन्स जो है चूँकि, क्योंकि, वॉन्ट्स मीन्स चाहना, टू फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना, बट कैन नॉट, लेकिन नहीं उड़ सकते। इसके कहने का मतलब यह है कि सभी लोग उड़ना चाहते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते। रीज़न, रीज़न मीन्स कारण, बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स उसके पीछे क्या कारण है, दिस विल बी फाउंड, इसके कारण पीछे जो कारण है वो हम लोगों को पता चल जाएगा, फाउंड मीन्स पाना, इफ़ वी स्टडी अबाउट बर्ड्स, अगर हम स्टडी करते हैं बर्ड्स के बारे में, चिड़ियों के बारे में। कह रहा है वी सी मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स अराउंड अस, हम लोग देखते हैं कि जो है कई टाइप के बर्ड्स हमारे चारों तरफ होते हैं, अराउंड अस, अराउंड मीन्स चारों तरफ, काइंड मीन्स प्रकार, मैनी मीन्स ढेर सारे, ठीक है। दे आर द वनली क्रिएचर्स विथ फीचर्स, दे आर द वनली क्रिएचर्स, वे केवल एक क्रिएचर्स हैं, क्रिएचर मीन्स उत्पत्ति, क्रिएचर्स मीन्स उत्पत्ति, जो होते हैं ना, क्रिएट होते हैं, बनते हैं, विथ फीचर्स, फीचर्स मीन्स गुण, फीचर्स मीन्स गुण, तो वे जो है ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनके अंदर फीचर है, फीचर मीन्स गुण है। दिस फीचर मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, ये जो फीचर है उनको डिफरेंट बनाता है, थोड़ा सा अलग बनाता है फ्रॉम अदर एनिमल्स, जो और एनिमल्स होते हैं उनसे ये अलग होते हैं, ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी पे होते हैं,
ठीक है, जैसे पृथ्वी पे और एनिमल हैं, तो इनका फीचर ऐसा होता है बर्ड्स का कि ये और सबसे अलग होते हैं। द बॉडी ऑफ ए बर्ड इज कवर्ड विथ फेदर्स एक्सेप्ट आईज। कह रहा है कि द बॉडी ऑफ ए बर्ड, बॉडी मीन्स शरीर, बर्ड मीन्स चिड़ियों का, बर्ड चिड़िया का, इस कवर्ड, कवर्ड मीन्स ढका होना, विथ फेदर्स, फेदर्स मीन्स जो उनमें पंख लगे होते हैं, छोटे छोटे जो पंख लगे होते हैं फेदर्स होते हैं वो, एक्सेप्ट आइज मतलब कि आँखों के अलावा, ये सब जो इसमें बर्ड्स पे लगे होते हैं ना छोटे छोटे, जैसे कभी कभी जो है उनसे वो छूट जाता है, निकल जाता है, तो छोटे छोटे उड़ते हैं, ठीक है, पंखुड़ी टाइप में, तो वो उसको फेदर बोलते हैं। तो फेदर से वो जो है ढके होते हैं, आँखों के अलावा पूरी बॉडी जो है उनकी फेदर से ढकी होती है, आँख नहीं होता, बीक चोंच भी नहीं ढका होता, लेग्स जो पैर होते हैं पैर पे भी फेदर नहीं होता, और लेग्स हैं और फीट हैं जो पीछे वाले पैर होते हैं इस पे भी जो है फेदर नहीं होता, बाकी जो है सब पे फेदर लगा होता है। बर्ड्स इंजॉयज फ्लाइंग इन द एयर, बर्ड्स जो होते हैं वो इंजॉय करते हैं फ्लाइंग इन द एयर, मतलब कि एयर में उड़ के, फ्लाइंग मीन्स उड़ना, एयर मीन्स हवा में, विद द हेल्प ऑफ इट्स फेदर्स, अपने फेदर्स की हेल्प से वो हवा में उड़ते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड नेम द बॉडी पार्ट्स ऑफ बर्ड, मतलब कि ये आप पिक्चर देख रहे हैं, सब पे इंडिकेट भी लगा, इंडिकेशन भी लगा है, एरो लगा है, तो सबका नाम बताना है कि बर्ड्स का ये पार्ट कौन सा है, ये कौन सा है, फिर ये कौन सा है, ये कौन सा है, तो ये आपको लिखना है। यहाँ आंसर भी दिया है लेकिन पहले अपने मन से इसको लिखना है चैप्टर पढ़ के, ठीक है। आते हैं दूसरे पैराग्राफ पे। फिर कह रहा है व्हाट मेक्स ए बर्ड फ्लाई, क्या चीज़ है जो बर्ड्स को मतलब कि फ्लाई करने देता है, जो अलाउ करता है कि आप फ्लाई करो, मतलब कि उनके हेल्प से जो है बर्ड्स फ्लाई करते हैं, क्या चीज़ है वो। कह रहा कि बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव, बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं क्योंकि दे हैव उनके पास होता है बोट शेप्ड बॉडी व्हिच हेल्प्स इट टू कट थ्रू द एयर इजली। कह रहा है बोट शेप्ड बॉडी होता है उनका, बोट शेप्ड बॉडी मतलब कि जो है बोट, बोट मीन्स नाव होता है, नाव आप देखे होंगे जो पानी में तैरता है, तो उनकी बॉडी ऐसे बोट शेप होती है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे बोट शेप होता है बॉडी उनका, व्हिच हेल्प्स इट टू कट थ्रू द एयर ईजली, जिससे क्या होता है हवा, जिससे जब चलता वो जो हवा में उड़ते हैं तो वो जो है इस आकार के होते हैं आगे, तो इससे ईजली जो है हवा को काट देते हैं, वो लोग ऐसे उड़ते रहते हैं तो हवा ऐसे निकलता रहता है, तो ईजली जो है वो हवा को काटते रहते हैं, और ईजली मीन्स आसानी से, थ्रू द एयर मतलब कि एयर के, एयर में जो कह रहा है कि ये निकल जाते हैं, कट थ्रू द एयर। बी वाला है लाइट एंड हॉलो बोन्स, इसको ध्यान से देख लिया, लाइट मीन्स हल्का, हॉलो मीन्स खोखला होता है, जिसे बीच में जिसमें जगह होती है, जैसे आप लोग बम्बू देखे ना, बम्बू बांस, तो बांस में बीच में जगह होती है वैसे उसको हॉलो बोलते हैं, तो उनके जो बोन्स होते हैं, बोन्स मीन्स हड्डियाँ जो होती हैं वो हॉलो होती, बीच में उसमें जगह होता है, तो लाइट वेट होता है मतलब कि हल्का भी होता है और बीच में खोखला भी होता है उनका बोन्स, व्हिच मेक इट्स बॉडी लाइट एंड सुटेबल फॉर फ्लाइंग, जिसे कहता है व्हिच मेक, मेक मीन्स बना देता है इट्स बॉडी, इसकी जो बॉडी है लाइट, लाइट मीन्स हल्का एंड सुटेबल, सुटेबल मीन्स जो है उनके सुटेबल मतलब जिससे वो सूट करता, मतलब कि अच्छा रहता है, फेवरेबल रहता है, सुटेबल होता है फॉर फ्लाइंग, फ्लाइंग मीन्स उड़ने के लिए, जब बॉडी हल्की होती है उनकी, जिसे उनके बोन्स हल्के होते हैं तो हॉलो होते हैं, इससे क्या होता है उनकी बॉडी हल्की होती है तो फ्लाई इजली फ्लाई कर सकते हैं। विंग्स व्हिच आर जॉइंट टू इट्स बॉडी, जो विंग्स होते हैं, विंग्स मीन्स जो पंख होते हैं, व्हिच आर जॉइंट टू इट्स बॉडी, जिस जो इनकी बॉडी से जॉइंट होता है विथ वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो उनका मसल्स होता है, मसल्स मीन्स जो मांस होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, वेरी स्ट्रांग मसल्स जो होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, द मसल्स हेल्प द विंग्स टू फ्लाई, जिससे क्या होता है कि उनके जो विंग्स होते हैं वो फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, मसल्स स्ट्रांग होते हैं तो विंग्स जो है वो फ्लाई करते हैं ना, ऐसे घूमते हैं, तो वो इससे क्या है वो फ्लाई कर सकते हैं अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। टेल
विच हेल्प्स इट टू चेंज डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग। टेल मीन्स पूँछ होती है। तो एक बर्ड्स की जो पूँछ होती है किस यूज में आती है, वो बर्ड्स की जो पूँछ होती है वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए, जैसे सीधे उड़ रही हैं अगर इधर घूमना है तो अपने जो है टेल्स जो उनकी पूँछ होती है उसके थ्रू ये इधर घूम जाती हैं। वही कह रहा है कि टेल मीन्स पूँछ, विच हेल्प्स इट टू चेंज मीन्स बदलना, डायरेक्शन मीन्स दिशा, व्हाइल फ्लाइंग जब वो फ्लाई करती हैं तो उनको डायरेक्शन अगर चेंज करना होता है तो पूँछ से ही वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं, ठीक है, पूँछ के हेल्प से। फिर कह रहा है टाइप्स ऑफ फेदर्स, फेदर्स देखिए दिखाया गया है, ये फेदर्स हैं, ये भी फेदर्स हैं, ये भी फेदर्स, जैसे कभी कभी पंछियों के निकल जाते हैं ना, हम लोग रास्ते में कहीं मिलता है हम लोगों को, ये फेदर्स होते हैं, ठीक है। कह रहा कि ये बर्ड्स बॉडी एंड विंग्स आर कवर्ड विथ मैनी फेदर्स, जो एक बर्ड्स की जो बॉडी होती है एंड विंग्स होते हैं, विंग्स मीन्स जो उनके पंख होते हैं वो दोनों कवर होते हैं, कवर मीन्स ढके होते हैं, किससे, विथ मैनी फेदर्स, कई फेदर से वो ढके होते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फेदर्स, तीन टाइप के फेदर्स होते हैं, तीन टाइप के जो उनके जो है पंख होते हैं। पहला होता है फ्लाइट फेदर्स, जिसको हम लोग फ्लाइट मतलब कि जो उड़ने में हेल्प करता है उसको फ्लाइट फेदर्स कहते हैं, जैसे कि लॉन्ग एंड फ्लैट, ये किस तरह का होता है, लंबा होता है और फ्लैट होता है। फाउंड इन द विंग्स एंड द टेल, ये किस में पाया जाता है, ये इनके विंग्स में, विंग्स मीन्स पंख में पाए जाते हैं, और टेल, टेल मीन्स पूँछ में, ये जो इस टाइप के फेदर्स होते हैं या तो उनके विंग्स में होते हैं, जो विंग्स मीन्स जो उनके पंख होते हैं, और टेल या तो उनके पूँछ में होता है, ठीक है। हेल्प द बर्ड टू फ्लाई एंड चेंज डायरेक्शंस, ये क्या होता है, ये इस टाइप का फेदर जो होता है बर्ड को फ्लाई करने के लिए, मतलब कि उड़ने के लिए, और जो है उनका डायरेक्शन, जैसे कि अगर कहीं मुड़ना हो, इधर उधर मुड़ना हो, उसमें जो है ये फेदर हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। दूसरा डाउन फेदर्स, डाउन फेदर्स क्या होता है, सॉफ्ट एंड फ्लफी, ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है और फ्लफी मतलब मुलायम होता है। कीप द बॉडी वार्म, इससे क्या होता है, ये बॉडी को वार्म रखता है, ये जो फेदर होते हैं, फेदर ढका होता है, इससे उनकी बॉडी ढकी होती है, जिससे उनकी बॉडी गर्म हो रहती है इस फेदर से। फिर ये होता है बॉडी फेदर्स, इस टाइप का होता है बॉडी फेदर्स, कवर द बर्ड्स बॉडी, इससे क्या होता है, बर्ड्स की बॉडी कवर्ड होती है, ढकी होती है, और गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी, इससे क्या होता है, मतलब कि एक आकार मिलता है उसके बॉडी को, बर्ड्स की बॉडी को इससे एक आकार मिलता है, एक जो है बनावट मिलती है कि जो है ये पंछी देखने में ऐसी लग रही है, तो इससे ये बनावट होती है उनकी, ठीक है, इससे बनावट बनती है उनकी। ये तीन टाइप की फेदर आप लोगों ने देख लिया, पहला क्या है फ्लाइट फेदर, दूसरा डाउन फेदर्स, और तीसरा बॉडी फेदर्स, ठीक है। अब आते हैं हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, देखते हैं कि चिड़िया जो है कैसे उड़ती हैं, हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, कह रहे बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, बर्ड्स जो फ्लाई करती हैं किसकी हेल्प से, विंग्स की हेल्प से। द विंग्स आर जॉइंट टू ब्रेस्ट बोन ऑफ इट्स बॉडी विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स टू फ्लाई, ये बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग्स बोथ इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस, दीज स्ट्रोक्स आर कॉल्ड अप स्ट्रोक्स एंड डाउन स्ट्रोक रिस्पेक्टिवली। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, बर्ड्स जो है फ्लाई करते हैं किसकी हेल्प से, विंग्स की हेल्प से। बर्ड्स उड़ते हैं तो वो विंग्स, विंग्स मीन्स जो पंख होते हैं उनके हेल्प से उड़ते हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। द विंग्स आर जॉइंट टू द ब्रेस्ट बोन, जो विंग्स होते हैं वो जॉइंट होते हैं ब्रेस्ट बोन से, ब्रेस्ट बोन मीन्स यहाँ, ये जो इनका ब्रेस्ट बोन होता है यहाँ से जॉइंट होते हैं ब्रेस्ट बोन से, ठीक है। ब्रेस्ट मीन्स छाती जो होता है इनके, वहाँ के बोन से, उनकी हड्डियों से जुड़े होते हैं। ऑफ इट्स बॉडी विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स, ये किससे जुड़े होते हैं, मसल्स से, ठीक है, ये मसल से जुड़े होते हैं। टू फ्लाई ए बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग्स बोथ इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस, कह रहा कि टू फ्लाई उड़ने के लिए जब इसको उड़ना होता है, ये बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग्स, जो बर्ड्स होती है फ्लैप करती है, फ्लैप मीन्स डायरेक्शन चेंज करती है, किस में, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, ये जो इनके विंग्स होते हैं ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे जो है डायरेक्शन में चेंज होते हैं, इसे घूमते रहते हैं, इस तरह से होते रहते हैं। दीज स्ट्रोक्स आर कॉल्ड अप स्ट्रोक्स एंड डाउन स्ट्रोक रिस्पेक्टिवली,
जो ये ऊपर नीचे इनके जो है पंख होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रोक। जब ऊपर जाते हैं तो अप स्ट्रोक, और पंख जब नीचे आते हैं तो डाउन स्ट्रोक इनको बोलते हैं, जो स्ट्रोक्स लेते हैं ये, ठीक है। बर्ड्स जो होते हैं अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक, जैसे कि ये उड़ रहा ऊपर गया और ये नीचे आया, ये ऊपर गया ये नीचे आया, तो ये अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक हो गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, दिख रहा है। फिर इनके बीक्स की बात आती है। बीक्स मीन्स जो चोंच होती है, ये जो मुंह पे चोंच होता है इनका ना, ये चोंच होती है, ये चोंच होती है, ये चोंच है, ठीक है, बीक्स हैं। तो कह रहा है कि बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, बर्ड्स के पास टीथ नहीं होता, दांत नहीं होता, जैसे हम लोगों के पास दांत है ना, वो उनके पास नहीं होता। दे यूज़ देयर बीक्स टू कैच एंड ईट फूड, दे यूज़ देयर बीक्स, वे अपने बीक्स को यूज करते हैं, बीक्स मीन्स जो चोंच होते हैं उनको यूज करते हैं, टू कैच, कैच मीन्स पकड़ना, एंड ईट, ईट मीन्स खाना, फूड, वो यूज करते हैं इसको कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए और खाने के लिए, जो है फूड को वो इस बीक्स का यूज करते हैं। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स, जो अलग अलग बर्ड्स होती हैं उनके अलग अलग काइंड्स के प्रकार के बीक्स होते हैं, मतलब कि चोंच होते हैं। द साइज एंड शेप ऑफ द बीक डिपेंड्स ऑन द काइंड्स ऑफ फूड ए बर्ड ईट्स, द साइज एंड शेप ऑफ द बीक, जो साइज और शेप होता है बीक का, बीक मीन्स जो उनकी चोंच का, डिपेंड्स ऑन द काइंड्स, वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है ऑन द काइंड्स, उस प्रकार के ऑफ फूड ए बर्ड ईट्स, जिस प्रकार के फूड जो है बर्ड्स ईट करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि उनके बीक का शेप और साइज क्या है। जैसे ये कहने, इसके कहने का मतलब ये है कि जिस टाइप के फूड खाते हैं, जैसे कोई होता है बर्ड्स, कोई जो है मांस खाती है, तो उनके बीक्स का स्ट्रक्चर दूसरे टाइप का होता है, शेप दूसरे टाइप का होता है, ठीक है। कह रहा है कि सीड ईटर्स लाइक स्पैरो एंड पिजन हैव थिक शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग कॉनिकल बीक्स दैट हेल्प देम टू क्रैक द सीड्स। कह रहा है कि सीड ईटर्स जो सीड खाते हैं, जो बीज खाते हैं, दाने खाते हैं, लाइक स्पैरो, जैसे कि स्पैरो एक बर्ड होती है जो आप लोग देखते हैं, पिजन, पिजन जानते हैं, हैव थिक, उनके जो थिक मतलब कि जो है थोड़े से मोटे और शॉर्ट, छोटे एंड स्ट्रॉन्ग कॉनिकल, मतलब कि और बहुत ही मजबूत और कॉनिकल टाइप में बीक्स होते हैं उनके, ठीक है, उनकी जो चोंच होती है तो कॉनिकल टाइप में होती है, दैट हेल्प देम टू क्रैक द सीड्स, इससे क्या होता है कि वो अपने वो सीड्स को क्रैक कर सकते हैं, क्रैक मीन्स तोड़ सकते हैं सीड्स को, सीड्स जो है यूजली थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं तो उनको ये तोड़ देते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं इनके जो बीक्स होते हैं। फिर कहता है इंसेक्ट ईटर्स, अब ये हो गई जो दाने खाते हैं उनकी बात हो गई, और जो इंसेक्ट ईटर्स होते हैं, जो जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े, जो ईटर्स होते हैं लाइक वुड पेकर, जैसे कि वुड पेकर होता है, एंड हमिंग बी होता है, जो हमिंग बी इसमें दिखाया नहीं, हाँ अच्छा हमिंग बर्ड ये है, जो इंसेक्ट ईटर्स होते हैं लाइक वुड पेकर जो क्या बोलते हैं उनके, जो पेड़ों वगैरह पे पाए जाते हैं, खटखट मारते हैं, ठीक है, उनको भी छेद कर देते हैं, पेड़ों में भी जो होल कर देते हैं, जो हमिंग बी होती हैं वो हैव लॉन्ग चीजल शेप्ड बीक्स, उनका लंबा और चीजल शेप्ड होता है बीक जो होता है, टू मेक होल्स इनटू ट्री ट्रंक, इससे क्या होता है जो ट्री के ट्रंक होते हैं, मतलब पेड़ के जो तने होते हैं उसमें भी ये लोग छेद कर देते हैं, होल बना देते हैं, बीक्स टू मेक होल्स, होल्स मीन्स छेद, इनटू ट्री ट्रंक, जो ट्री का ट्रंक होता है, पेड़ के जो तने होते हैं उसमें भी ये लोग छेद कर देते हैं, दे हेल्प देम टू पुल आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम होल्स, जो पेड़ में छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या करते हैं कि ये अपनी जो चोंच से मार के उसको कीड़े खा लेते हैं, वही लिखा है दे हेल्प देम टू पुल आउट इंसेक्ट्स, पुल मीन्स खींचना, आउट मीन्स बाहर, इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े मकोड़े, फ्रॉम होल्स, होल से उस छेद से कीड़े मकोड़े को बाहर खींच लेते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल
जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं, जो मांस खाती हैं, जैसे कि ईगल हुआ, हॉक हुआ, वल्चर हुआ, हैव शार्प स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक्स फॉर टियरिंग फ्लैश। मतलब कि जो मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, फ्लैश मीन्स मांस ईटिंग बर्ड्स, जो खाते हैं बर्ड्स लाइक ईगल, जैसे कि ईगल होता है, हॉक होता है और वल्चर, ठीक है, सब जानते हैं। हैव शार्प, शार्प मीन्स तेज, तेज मतलब कि बहुत ही तेज, मतलब कि ये जल्दी से कट जाता है उससे। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत एंड हुक्ड बीक्स, हुक मीन्स ऐसे ऐसे घुमा होता है, हुक मीन्स ऐसे घुमा होता है, ठीक है, हुक टाइप में ऐसे बीक्स होते हैं उनके ऐसे, ठीक है। फॉर टीयरिंग फ्लैश, इससे क्या होता है, वो फ्लैश को टीयर कर देते हैं, टीयर मीन्स फाड़ देना, मांस को फाड़ देते हैं वो लोग, ठीक है। फिर कह रहे हैं वाटर बर्ड्स लाइक डक एंड गूज हैव फ्लैट एंड ब्रॉड बीक्स विथ होल्स ऑन आउटर साइड दैट स्ट्रेन स्मॉल एनिमल्स एंड प्लांट फ्रॉम द वाटर। ये कह रहा है कि जो वाटर बर्ड्स होती हैं लाइक डक, जो पानी के बर्ड्स होती हैं, जैसे कि डक हुआ एंड गूज, ठीक है, हैव फ्लैट एंड ब्रॉड बीक्स, उनका क्या होता है, फ्लैट मीन्स सीधा और ब्रॉड मीन्स चौड़ा बीक्स होता है, बीक्स मीन्स चोंच होते हैं, विथ होल्स ऑन आउटर साइड, उसमें होल भी होता है, बाहर के साइड में होल होता है, दैट स्ट्रेन स्मॉल एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम द वाटर, जिससे क्या होता है वो स्ट्रेन कर लेते हैं, मतलब कि खींच लेते हैं, छान लेते हैं, ठीक है, छान के निकाल लेते हैं स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं पानी में, या फिर प्लांट, या फिर प्लांट होते हैं, उनको खींच लेते हैं वो वहाँ से पानी से, ठीक है। अब इसमें दिखाया गया कि ये सीड ईटर्स हैं, ये इंसेक्ट ईटर्स हैं, ये फ्लैश ईटर्स हैं, ये वाटर बर्ड्स हैं, ठीक है, इसमें एक हमिंग बर्ड्स दिखाया गया है। कह रहा है कि बर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड एंड सन बर्ड हैव लॉन्ग स्लेंडर बीक टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ये कह रहा है कि जो बर्ड्स, जैसे हमिंग बर्ड होते हैं, जो मतलब कि चूसते हैं, रस चूसते हैं, जो हमिंग बर्ड्स होते हैं, एंड सन बर्ड, जो सन बर्ड होते हैं, हैव लॉन्ग स्लेंडर बीक्स, उनके लंबे से स्लेंडर टाइप के बीक होते हैं, स्लेंडर बीक होते हैं, टू सक नेक्टर, सक मीन्स सोखना, नेक्टर मीन्स जो उसमें रस होता है उसको सोख लेते हैं, फ्रॉम फ्लावर्स, कहाँ से, फ्लावर्स से, ठीक है। फिर आ रहा बर्ड्स लाइक हेरोन, किंगफिशर एंड पेलिकन हैव स्पीयर शेप बीक्स व्हिच हेल्प इन फिशिंग। कह रहे कि बर्ड्स लाइक हेरन, जो हेरन होते हैं, ये हेरन दिखाया गया है, किंगफिशर एंड पेलिकन, जो ये सब बर्ड्स होते हैं, चाहे किंगफिशर हो चाहे पेलिकन हो, हैव स्पीयर शेप्ड बीक्स, उनका जो बीक्स का शेप होता है स्पीयर शेप होता है, स्पीयर, ठीक ठीक है, व्हिच हेल्प इन फिशिंग, जिससे क्या होता है उनको फिशिंग में, जैसे मछली पकड़ने में उनको हेल्प मिलता है, ठीक है। फिर कह रहा है ओमनिवरस बर्ड्स लाइक क्रो हैव मल्टीपर्पज बीक्स दैट हेल्प देम टू ईट सीड्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट एंड अदर स्मॉल एनिमल्स। दीज बीक्स आर आल्सो नोन एज स्विस आर्मी नाइफ। कह रहा कि ओमनिवरस बर्ड्स लाइक क्रो, जैसे कि क्रो होता है, ओमनिवरस समझते हैं ना, ठीक है, जो कि एक पढ़ाया था ना कि कॉर्निवर्स, ओमनिवर्स, ठीक है, ये सब जानते होंगे, पिछले उसमें था। ओमनिवर्स बर्ड्स लाइक क्रो हैव मल्टीपर्पज बीक्स, उनका जो बीक होता है वो मल्टीपर्पज होता है, कई काम में आता है ये, हेल्प दैट हेल्प देम टू ईट सीड्स, इससे सीड्स भी खा लेते हैं, फ्रूट्स भी खा लेते हैं, और इंसेक्ट भी, मतलब कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं, एंड अदर स्मॉल एनिमल्स, और दूसरे छोटे छोटे जानवरों को भी खा लेते हैं ये। दीज बीक्स आर आल्सो नोन एज स्विस आर्मी नाइफ, इनके बीक को, ये इनके बीक को हम लोग जानते हैं स्विस आर्मी नाइफ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं फीट क्लॉज, फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स, इनके जो फीट होते हैं और क्लॉज, जो पंजे होते हैं बर्ड्स के, उसके बारे में जानते हैं। कह रहा है मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव टू फीट विथ फोर क्लॉड क्लॉड टूज, दे यूज देयर फीट टू कैच एंड ईट फूड
Feet of the birds also help them to stand, walk and protect themselves from enemies. The shape and structure of the claws depend on their living conditions and feeding habits. ये कह रहा कि मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव टू फीट विथ फोर क्लॉड टोज, ज़्यादातर बर्ड्स के दो पैर होते हैं, उसमें कह रहा कि फोर क्लॉड होते हैं, टोज होते हैं, उसमें चार होते हैं, जैसे कि हम लोग ये पांच उंगलियां ना, उनके चार होते हैं, ठीक है। दे यूज़ देयर फीट टू कैच एंड ईट फूड, वो अपने पैर का यूज करते हैं कैच करने के लिए, मतलब पकड़ने के लिए, एंड ईट फूड और उसको खाने के लिए यूज करते हैं जो उनके फीट होते हैं उनको। फीट ऑफ द बर्ड्स आल्सो हेल्प देम टू स्टैंड, जो बर्ड्स की फीट होती है वो उनको हेल्प करती स्टैंड करने में, जैसे अगर कहीं उनको खड़ा होना है तो पैरों पर ही तो खड़े होते हैं, वॉक पैरों से ही तो चलते हैं, एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमी और उसी से भाग के वो अपने आप को सुरक्षित रखते हैं इनमीज से, मतलब दुश्मनों से, themselves means अपने आप को। द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्लॉज डिपेंड ऑन देयर लिविंग conditions एंड फीडिंग हैबिट्स, कह रहा द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्लॉज, जो शेप होता है और स्ट्रक्चर होता है क्लॉज का, डिपेंड ऑन देयर लिविंग कंडीशन, वो डिपेंड करता है उनके लिविंग कंडीशन पे एंड फीडिंग हैबिट्स, और जो उनकी फीडिंग हैबिट्स होती है, लिविंग कंडीशन मीन्स रहने का किस माहौल में रहते हैं, और फीडिंग हैबिट मीन्स होता है क्या खाते हैं वो लोग, उनके खाने के ऊपर होता है। फिर आपका आता है अगला पेज है कह रहा है बर्ड्स लाइक स्पैरोज, क्रोज एंड पैरट्स हैव थ्री टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड एंड वन टो pointing backward, these help them in holding the branches while sitting on the, ये कह रहा कि birds like sparrows, जो birds होती है जैसे कि sparrow, crows and parrots have three toes, इनके तीन toes होते हैं, तीन पैर होते हैं, toes होते हैं मतलब कि वो जो three toes होते हैं जो आगे की तरफ pointing forward होते हैं, चार, तीन फॉरवर्ड होते हैं मतलब आगे की तरफ होते हैं, एंड वन टो पॉइंटिंग बैकवर्ड और एक पीछे की तरफ, जैसे कि जिसके पास बुक होगी वो देख रहा होगा, इसमें भी दिख रहा होगा तीन, एक दो तीन, तीन आगे की तरफ होते हैं और एक पीछे की तरफ होता है, इससे क्या होता है, दीज हेल्प देम इन होल्डिंग, क्या करता है ये होल्ड करने में, पकड़ने में जो ब्रांचेज होते, जब कभी पंछियाँ जो है पेड़ पे बैठती हैं तो इससे क्या होता है, पकड़ने में उनको आसानी होती है, वाइल सीटिंग ऑन द ट्रीज, कह रहा है कि जब वो पेड़ पे बैठती हैं तो उससे उसको पकड़ने में आसानी होती है। कह रहा है बर्ड्स लाइक वुडपेकर, हाँ वुडपेकर को कटफरवा बोलते हैं ना, कटफरवा शायद बोलते हैं, बर्ड्स लाइक वुडपेकर हैव टू टोज, उनके दो पैर होते हैं, पॉइंटिंग इन द अपवर्ड एंड टू टोज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, उनके जो दो होते हैं, टू टोज होते हैं वो अपवर्ड मतलब कि ऊपर के साइड में होते हैं और टू जो है नीचे की साइड में होते हैं, मतलब कि उसमें तीन एक का रेशियो नहीं होता, उनमें दो 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 का रेशियो होता है, दो आगे रहते हैं दो पीछे रहते हैं। दीज हेल्प देम टू क्लाइंब अप एंड होल्ड ऑन द ऑन टू ट्री, इससे क्या होता है अगर वो कहीं पेड़ पे चढ़ते हैं तो उसको क्लाइंब करने में, ठीक है, मतलब चढ़ने में, क्लाइंब अप एंड होल्ड, और होल्ड मतलब कि वहीं पर जब रुकना होता है तो पकड़ के वो रखते हैं, ऑन द ट्री ऑन टू ट्रीज, किस पे, पेड़ों पे, ठीक है। फिर आता है बर्ड्स लाइक हैन एंड क्वेल हैव शार्प एंड हार्ड क्लॉज टू डिग द सॉइल फॉर फूड, कह रहे कि बर्ड्स लाइक हैन, बर्ड्स जैसे कि हैन होती हैं एंड क्वेल होते हैं, हैव शार्प एंड हार्ड क्लॉज, उनके जो क्लॉज होते हैं, जो पंजे होते हैं, शार्प होते हैं, तेज होते हैं, शार्प एंड हार्ड क्लॉज, और जो है हार्ड मीन्स थोड़ा टाइट होते हैं, टू डिग द सॉइल फॉर फूड, इससे क्या होता है वो डिग करते हैं, डिग मीन्स खोदना, सॉइल को खोद देते हैं फॉर फूड, खाने के लिए, नीचे कुछ जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी जो है पकड़ने के लिए से खोद के अपना निकाल, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी पंछियाँ होती हैं
वो ऐसे डिग करती हैं, खोदती हैं, स्क्रैच करती हैं, खुरचती रहती हैं, ठीक है। वो क्या खोजती हैं? वो खाने को खोजती हैं। कह रहा वाटर बर्ड्स लाइक डक्स एंड गीस हैव वेब्ड फीट। जो वाटर बर्ड्स होती हैं जैसे कि डक्स हुए, गीज हुए, हैव वेब्ड फीट, उनका जो फीट होता है वेब होता है, वेब मीन्स ऐसे जालीनुमा होता है, ऐसे जालीनुमा, देखिए जालीनुमा होता है, ठीक है। व्हिच दे यूज लाइक पैडल्स फॉर स्विमिंग, उससे क्या होता है वो पैडल्स के रूप में ऐसे ऐसे मारती रहती हैं, ऐसे ऐसे मारती रहती हैं, तो वो आगे बढ़ती रहती हैं, आगे बढ़ती रहती पानी में, स्विमिंग करने के लिए उनके उनके लिए आसान हो जाता है स्विमिंग करना। कह रहे बर्ड्स लाइक हेरन एंड क्रेन वॉक ओवर शैलो वाटर विद देयर थिन एंड लॉन्ग लेग्स विद वाइड स्प्रेड टोज। कह रहे बर्ड्स लाइक हेरन, जो हेरन होते हैं, हेरन देखा होगा आप लोगों ने, पतला पतला होता, लंबा सा पैर होता हो, ठीक है, बेसिकली वाइट कलर के होते हैं। बर्ड्स लाइक हेरन एंड क्रेन, और जो क्रेन होते हैं, वॉक ओवर शैलो वाटर, वो शैलो वाटर पे मतलब वॉक करते हैं, पानी भरा होता है उसमें भी वॉक करते रहते हैं, चलते रहते हैं। विथ देयर थिन एंड लॉन्ग लेग्स, उनके जो पैर होते हैं वो पतले होते हैं, थिन बहुत पतले होते हैं, और लंबे होते हैं, लॉन्ग लेग्स होते हैं। विथ वाइड स्प्रेडिंग टोज, और उनका जो पंजा होता है फैला होता है, एकदम फैला होता है ऐसे करके, जिससे क्या होता है अंदर कीचड़ में वो अपना धंसता नहीं है, ठीक है। द ऑस्ट्रिच हैज लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स विद थ्री टोज फॉर रनिंग। कह रहा जो ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच देखेंगे लंबा सा पैर होता है, बड़े बड़े होते हैं, ऊपर बॉडी उनकी बहुत घनी होती है, बड़ी मोटी होती है। हैज़ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स, उनके भी लंबे और मजबूत पैर होते हैं। विथ थ्री टोज फॉर रनिंग, उनके तीन टोज होते हैं आगे जिसे वो रन करते हैं। फिर आता है फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल, जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं जैसे कि ईगल हुआ, हॉक हुआ एंड आउल्स हुए, हैव लार्ज शार्प कर्व्ड क्लॉज टू टियर द फ्लैश। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल, जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं जैसे कि ईगल हुआ, हॉक्स हुए एंड आउल्स हुए, हैव लार्ज शार्प कर्व क्लॉज, उनके लंबे और शार्प जो है क्लॉज होते हैं, कर्व होते हैं क्लॉज, टू टियर द फ्लैश, इससे क्या होता है वो फ्लैश को टियर कर देते हैं, फाड़ देते हैं, ठीक है। इसमें लार्ज मीन्स लंबा, शार्प मीन्स तेज, कर्व, कर्व मीन्स ऐसे जो कर्व होता है ना ऐसे करके, ऐसे कर्व होता है वो, टैलेंस लिखा है टू टीयर द फ्लैश, इससे क्या होता है वो फ्लैश को टीयर कर देते हैं। ये आप लोगों को करना है रिकॉल वाले में, ये आप लोग पढ़ के कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बर्ड्स होम, जो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट मीन्स जो घोंसला होता है, एक बर्ड का जो है होम होता है, घर होता है, उसके बारे में देखेंगे। ऑल एनिमल्स नीड सम प्लेस एंड शेल्टर टू लिव। ऑल एनिमल्स, सारे जानवरों को नीड मीन्स ज़रूरत है सम प्लेस एंड शेल्टर, कुछ प्लेस मीन्स जगह और शेल्टर टू लिव। शेल्टर मीन्स जो घर होता है, लिव मीन्स रहने के लिए। सारे एनिमल्स को रहने के लिए घर होना चाहिए, एक जगह होती है, जगह होनी चाहिए रहने के लिए। वी बिल्ड हाउसेस टू लिव इन, हम लोग घर बनाते हैं रहने के लिए, हम लोग अपने लिए रहने के लिए घर बनाते हैं ना। अब देखिए एनिमल्स जो बर्ड्स होते हैं वो भी तो, उनको भी तो घर चाहिए। खरे बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स, बर्ड्स को एक नेस्ट बनाना होता है, घोंसला बनाना होता है जिससे कि उसमें अंडे दे सकें, वो ले एग्स अंडे दे सकें। दे चूज सच प्लेसेस व्हिच आर सेफ फ्रॉम एनिमीज एंड बैड वेदर टू बिल्ड द नेस्ट। कह रहा कि दे चूज सच प्लेसेस, वो चूज करती हैं, वो खोजती हैं ऐसी जगहें विच आर सेफ फ्रॉम एनिमीज, जो कि सेफ होती हैं, सेफ मीन्स सुरक्षित होती हैं, किससे, एनिमीज से, एनिमीज मीन्स दुश्मनों से। एंड बैड वेदर, और कभी ख़राब वेदर होता है, जैसे गर्मी बहुत पड़ती है, ठंडी बहुत पड़ती है, या बारिश होती है, जब कभी कुछ होता है, तो उससे भी सेफ रहे टू बिल्ड द नेस्ट, वो नेस्ट बनाती हैं, घोंसला बनाती हैं। टू बिल्ड देयर नेस्ट दे यूज
अपने घोंसले को बनाने में वो यूज करते हैं, दे यूज, यूज मीन्स उपयोग करना, क्या यूज करते हैं, मटेरियल्स लाइक ड्राई लीव्स, मटेरियल्स जैसे कि ड्राई लीव्स होते हैं मतलब सूखी पत्तियां होती हैं, स्ट्रॉज, स्ट्रॉ मीन्स होता है जो खरपतवार होते हैं उनको स्ट्रॉ बोलते हैं, ट्विक्स, ट्विक्स मीन्स डालियां जो होती हैं ना पेड़ की डालियां जो होती हैं पतली पतली जो नई ट्विक्स होती हैं, कॉटन थ्रेड, कॉटन थ्रेड तो कॉटन का थ्रेड होता है, थ्रेड मीन्स धागा, कॉटन का कहीं अगर धागा होगा पड़ा होता तो वो भी ले जाती हैं, पेपर्स भी ले जाती हैं, पेबल्स भी ले आते हैं, पेबल्स मीन्स जो छोटे छोटे ऐसे पत्थर टाइप के होते हैं पेबल्स होते हैं उसको भी ले जाती हैं। दे नॉट ओनली बिल्ड देयर नेस्ट, केवल वो नेस्ट ही नहीं बनाती, घोंसला ही केवल नहीं बनाती इन ट्रीज, पेड़ों पे, बट आल्सो इन द ट्यूबलाइट फिटिंग्स, आल्सो इन ट्यूबलाइट फिटिंग्स, ओल्ड बिल्डिंग्स, वेंटिलेटर्स एंड इवन ऑन सीलिंग फैंस पोल्स, बट आल्सो इन द ट्यूबलाइट, जैसे ट्यूबलाइट फिटिंग होती है ना जहाँ ट्यूबलाइट वगैरह लगाए जाते हैं, ओल्ड बिल्डिंग होती हैं जहाँ पुरानी बिल्डिंग होती है, और वेंटिलेटर्स होते हैं जहाँ पे जिसे होता ना कि वेंटिलेटर्स मीन्स जहाँ से हवा पास करता है खिड़की कमरों में, जो हवा पास करता है ऊपर जो लगा होता है वेंटिलेटर्स जिसको हम लोग रोशनदान वगैरह बोलते हैं, एंड इवन ऑन सीलिंग फैंस होल्ड, या फिर जो सीलिंग फैन होता है ऊपर जो पंखा लगा होता है ऊपर छत में उसमें होल बना होता है जहाँ पे लगा होता है वहाँ भी वो लोग अपना जो है घोंसला बना लेती हैं, अपना वहाँ भी रहती हैं वो लोग। ये नेक्स्ट दिखाया गया बर्ड विज नेस्ट, जो अपने अपने इनके जो नेक्स्ट बनाते हैं ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे करके बनाते हैं। अब देख रहे हैं हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ नेस्ट, नेस्ट कितने टाइप के होते हैं, करे बर्ड्स लाइक स्पैरोज, पिजन्स आर क्रोच बिल्ड नेस्ट इन आवर होम्स आर ट्रीज, दे यूज पेपर्स, थ्रेड्स, ट्विक्स टू मेक बाउल शेप्ड नेस्ट, करे बर्ड्स लाइक स्पैरोज, बर्ड्स जैसे कि स्पैरोज होते हैं, पिजन्स होते हैं और क्रोज होते हैं, स्पैरो जानते हैं ठीक है, पिजन्स और क्रोज होते हैं, बिल्ड नेस्ट इन आवर होम्स आर ट्रीज, ये कहाँ बनाते हैं, हमारे घरों में या फिर जो है पेड़ों पे ये बनाते हैं, दे यूज पेपर्स, थ्रेड्स, वो क्या यूज करते हैं, पेपर्स यूज करते हैं और थ्रेड्स धागे यूज करते हैं, ट्विक्स टू मेक बाउल, वो ट्विक्स भी यूज करते हैं, बाउल, बाउल मीन्स ऐसे कटोरा टाइप बनाने के लिए, शेप नेस्ट जैसे कटोरा, बाउल मीन्स कटोरा होता है, उस शेप का नेस्ट बनाने के लिए इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। द टेलर बर्ड सीव्स टू आर थ्री लार्ज लीव्स विथ इट्स नीडल्स लाइक बीक, दे यूज वूल, ग्रास आर स्पाइडर्स वेब एज थ्रेड, एक होते हैं टेलर बर्ड, जो टेलर बर्ड होते हैं सीव्स, सीव्स मीन्स सिलना, सीव्स मीन्स क्या होता है सिलना, टू आर थ्री लार्ज लीव्स, दो या तीन जो है बड़े बड़े पत्ते जो हो सिल देते हैं, वो दो या तीन ऐसे पत्ते होते हैं एक दूसरे से ऐसे करके सिल देते हैं वो, विथ इट्स नीडल्स लाइक बीक्स, किससे सिलते हैं, उनके पास सुई तो होता नहीं तो उनके जो बीक होते हैं, बीक मीन्स उनकी जो चोंच होती है नीडल टाइप की होती है, नीडल मीन्स सुई टाइप का होता है, उससे वो सिल देते हैं। दे यूज ऊल, ग्रास, वो क्या यूज करते हैं, ऊल, ऊल मीन्स ऊन यूज करते हैं, ग्रास यूज करते हैं, या स्पाइडर्स वेब, स्पाइडर्स मीन्स जो मकड़ी का, मकड़ी होते हैं ना उसके जो जाले होते हैं वेब होते हैं, वेब मीन्स जाले, एज थ्रेड, उसको एज ए थ्रेड यूज करते हैं, एक धागे के रूप में यूज करके उसको सिल देते हैं। फिर कह रहा था वुड पैकर यूजेज इट्स वीक टू पैक इन टू ट्री ट्रंक एंड मेक ए होल फॉर ए नेस्ट, जो वुड पैकर होते हैं यूज इट्स बीक, अपने बीक का यूज करके, अपने चोंच का यूज करते हैं, टू पैक इनटू ट्री ट्रंक, वो पैक करते हैं ट्री ट्रंक में ठीक है, एंड मेक ए होल फॉर नेस्ट, और एक होल बना लेते हैं, एक जो है छेद बना लेते हैं नेस्ट के लिए, फॉर ए नेस्ट। फिर कहता है वेवर बर्ड यूजेज इट्स बीक टू वेव पीसेस ऑफ लीव्स, ग्रास आर थिंग्स टू बिल्ड नेस्ट, जो वेवर बर्ड होते हैं इनको वेवर बर्ड्स बोलते हैं,
यूजेड इट्स वीक्स, अपने वीक का यूज करके, अपनी चोंच का यूज करके टू वी वेव पीसेस ऑफ लिप्स, वेव कर देते हैं, बिन देते हैं, बुन देते हैं, पीसेस ऑफ लिप्स जो होते हैं, पत्तियाँ के जो टुकड़े होते हैं, पीस होते हैं उनको, या तो ग्रास लेते हैं या थिंग्स टू बिल्ड नेस्ट, या कोई और चीज़ लेते हैं नेक्स्ट को बनाने के लिए। द नेस्ट इज बॉटल शेप, उनका नेस्ट किस शेप में होता है, बॉटल शेप में होता है, होते हैं। एंड हैज एन ओपनिंग थ्रू व्हिच द बर्ड एंटर्स, और उनका एक ओपनिंग होता है, एक खुला होता है एक साइड से, थ्रू व्हिच द बर्ड एंटर्स, जिससे कि बर्ड्स इंटर करती हैं, प्रवेश करती हैं उसमें। पेंगुइन्स मेक नेस्ट आउट ऑफ पेबल्स ऑन द ग्राउंड, जो पेंगुइन्स होते हैं मेक नेस्ट, वो नेस्ट बनाते हैं आउट ऑफ पेबल्स, पेबल्स से, पेबल्स जो पत्थर टाइप में होते हैं, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे पड़े होते हैं। एज दे लिव इन वेरी कोल्ड कंडीशंस, जैसा कि वो लोग रहते हैं बहुत ही कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडे, कंडीशन मीन्स जो स्थिति होती है, ठंडे इन्वायरमेंट में रहते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड विंग्स, ये बहुत ही मुश्किल होता है कि उनको विंग्स मिल जाएँ, ड्राई लीव्स टू मेक नेस्ट, या फिर ड्राई लीव्स मिल जाएँ नेक्स्ट को बनाने के लिए। तो थोड़ा सा उस इस तरह से रहते हैं कि वहाँ ये सब नहीं पाए जाते, तो वो क्या करते हैं कि पेबल्स से ही काम चला लेते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है बर्ड्स लाइक ईगल एंड वल्चर प्रिपेयर सैरो कप शेप नेस्ट ऑफ ट्विग्स एंड ब्रांचेज, जैसे कि ईगल होते हैं और वल्चर होते हैं, ठीक है। ईगल जानते हैं जो उनके शार्प वो होते हैं, ऐसे ही होते हैं। वल्चर भी जानते हैं, जो अब इस समय वल्चर नहीं पाए जाते, जो जिसको हम लोग गिद्ध बोलते थे, ठीक है। ये बाज होते हैं, ईगल बाज होते हैं, गिद्ध होते हैं। प्रिपेयर ए सैलो, वो सैलो बना लेते हैं, ऐसे ही सैलो, ठीक है। कप शेप्ड, कप शेप में, जैसे कप होता है नेस्ट, उस शेप में नेस्ट बना लेते हैं ऑफ ट्विग्स एंड ब्रांचेज, किससे, ट्विग्स के, ट्विग्स मीन्स जो पत्तियों, जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनके जो नए नए ब्रांचेज निकलते हैं उनको हम ट्विग्स बोलते हैं, एंड ब्रांचेज, ठीक है, या ब्रांचेज यूज करते हैं। फिर आपका आता है केयरिंग ऑफ यंग वंस, कि अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उनके, जो बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं, उसका केयर कैसे करते हैं, उसकी देखभाल कैसे करते हैं। कह रहा है कि बर्ड्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, जो बर्ड्स होते हैं वो देखभाल करते हैं अपने यंग वंस का, मतलब कि जो होते हैं यंग, छोटे जो होते हैं उनके। दे प्रोटेक्ट देम एंड फीड देम अंटिल दे आर बिग एनफ टू फ्लाई अवे। दे प्रोटेक्ट देम, प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना, देम मीन्स उनका, एंड फीड, फीड मीन्स खिलाना पिलाना, देम मीन्स उनको, अनटिल जब तक कि दे आर बिग, वो बड़े ना हो जाएं, एनफ टू फ्लाई अवे, इतने बड़े ना हो जाएं कि वो फ्लाई कर सकें, दूर तक उड़ सकें, तब तक वो क्या करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, ठीक है। वंस द एग्स आर लेड, एक बार जब अंडे वो दे देती हैं, दे हैव टू बी केप्ट वार्म, उनको गर्म भी रखना होता है, अंडों को गर्म रखना होता है। यूजली द मदर बर्ड सिट्स ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म, जनरली जो है, यूजली ये क्या होता है, जो मदर बर्ड होती है वो सिट, सिट मीन्स बैठ जाना, ऑन द एग्स, उस अंडे पे बैठ जाती हैं टू कीप देम वार्म, इससे क्या होता है, अंडे गर्म रहते हैं, थोड़े से गर्म रहते हैं। आफ्टर सम टाइम द एग्स ब्रेक ओपन, कुछ समय बाद जो है अंडे ब्रेक ओपन, मतलब कि टूट जाते हैं, एंड बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द देम, और जो बेबी बर्ड्स होता है उससे बाहर आ जाता है, व्हिच इज कॉल्ड हैचिंग, इसी को हम लोग हैचिंग बोलते हैं। व्हेन द नेस्टलिंग कम्स आउट ऑफ एग्स, जब नेस्टलिंग जो नए होते हैं वो नेस्ट में होते हैं, जो बाहर आते हैं, नेस्ट से बाहर आते हैं, आउट ऑफ एग्स, जो है अंडे से बाहर आते हैं। इट हैज़ नो फेदर एंड इट इज़ वेरी वीक विथ क्लोज्ड आइज, जब वो अंडों से बाहर आते हैं तो वो क्या होते हैं, उनके फेदर नहीं होते, एंड इट इज़ वेरी वीक विथ क्लोज्ड आइज, और बहुत ही कमज़ोर होते हैं, और उनकी आँखें भी बंद होती हैं। द फेदर बर्ड गार्ड्स द नेस्ट एंड ब्रिंग्स फूड फॉर द मदर एंड द नेस्टलिंग,
जो कह रहा है कि जो फादर वर्ड्स होता है, जो फादर वर्ड मतलब ये मदर वर्ड होती है जो करती है, जो हैचिंग करती है, जो फादर वर्ड होता है गार्ड द नेस्ट, वो सुरक्षित रखता है नेक्स्ट को, एंड ब्रिंग्स फूड फॉर द मदर, और वो लाता है फूड मदर, फूड फॉर द मदर एंड द नेस्टलिंग, मदर के लिए फूड लाता है और नेस्टलिंग के लिए भी फूड लाता है, नेस्टलिंग मीन्स जो बच्चा होता है उसके लिए भी फूड लाता है, खाना लाता है। आफ्टर द यंग बर्ड्स फ्लाई अवे, जब यंग बर्ड्स फ्लाई अवे करते हैं, उड़ जाते हैं मतलब उड़ने लगते हैं, द पेरेंट्स आल्सो हैव द नेस्ट, जो पेरेंट्स के पास जो नेक्स्ट होता है, दे बिल्ड ए न्यू नेस्ट एवरी टाइम टू ले एग्स, वो हमेशा जो नए जो है एग्स सॉरी नए जो है नेस्ट बनाते रहते हैं। इसे कहने में मतलब आफ्टर द यंग बर्ड्स फ्लाई अवे, जब यंग बर्ड्स जो है जो छोटा वाला है फ्लाई अवे मतलब उड़ने लगता है, द पेरेंट्स आल्सो लीव द नेस्ट, पेरेंट्स भी उस नेस्ट को छोड़ देते हैं, पेरेंट्स मीन्स उसके जो माता पिता हैं वो उस घोंसले को छोड़ देते हैं, दे बिल्ड ए न्यू नेस्ट एवरी टाइम टू ले एग्स, और फिर जब उनको दोबारा से अंडे देने होते हैं तो नया वो लोग नेस्ट बनाते हैं। ठीक है, फिर ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपको दे दिए जाएंगे। अब इसमें जो ये डिक्शनरी है इसको देख लेते हैं, लिखा है बर्ड एन वनली फेदर्ड एनिमल, जी ये एक ऐसा है जिसके पास फेदर्ड मीन्स पंख होते हैं, एक ऐसा बर्ड है जिसके पास पंख होते हैं, ऐसा ये जानवर है जो बर्ड होते हैं। नेस्ट जानते हैं ना, जब द प्लेस वेयर द बर्ड्स लिव टू ले एग्स, जो घोंसले होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, वो ऐसी जगह है पे जहाँ पे कि बर्ड जो है रहते हैं और ले एग्स अंडे भी वहाँ पे देते हैं। फिर टैलेंस, शार्प क्लॉज ऑफ फ्लैश ईटिंग बर्ड्स एनिमल्स, ये टैलेंस क्या होते हैं, जो शार्प क्लॉज मतलब तेज जो क्लॉज होते हैं पंजे होते हैं, ऑफ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स फ्लैश खाते हैं जो मांस खाते हैं वैसे एनिमल्स के जो सेप शार्प सेप होता है उसी को हम लोग टैलेंस बोलते हैं। वेब्ड फीट मतलब कि जिसके फीट पैर जो है वेब टाइप के होते हैं, मतलब कि जो जाली टाइप के ऐसे बने होते हैं। फीट इन विच टोज आर जॉइंट टुगेदर विद द लेयर ऑफ स्किन, जिनके जैसे ऐसे होता ना ऐसे पैर होते हैं, टोज होते हैं इनके, तो यहाँ बीच में जो स्किन से ऐसे जुड़े भी होते हैं, ये अलग तो होते हैं लेकिन यहाँ पतली पतली स्किन भी होती है वेब टाइप में, उसी को बोलते हैं वेब फीट। फीट इन विच टोज आर जॉइंट टुगेदर विद द लेयर ऑफ स्किन, लेयर में मीन्स परत होती है, स्किन मीन्स चमड़े की एक परत होती है, उससे ये जुड़े होते हैं। फिर आता है प्री, द एनिमल आर बर्ड, जो एनिमल या फिर बर्ड दैट इन हंटेड दैट इज हंटेड बाई अदर बर्ड्स ऑन एनिमल्स फॉर फूड। प्री मीन्स जो शिकार होते हैं, द एनिमल आर बर्ड, चाहे वो जानवर हों या फिर पंछियाँ हो, दैट इज़ हंटेड बाई अदर बर्ड्स, जो कि हंट किए जाते हैं, शिकार किए जाते हैं दूसरे बर्ड्स के या फिर एनिमल्स से फॉर फूड, तो उनको प्री बोलते हैं। प्री मीन्स शिकार जो होते हैं, जैसे कि अगर जो है एक डॉग है एक कैट का शिकार करता है तो कैट क्या है, एक प्री होता है, प्री मीन्स शिकार होता है, क्योंकि डॉग उसको मार के खाएगा, तो ये क्या है, प्री है, कैट क्या है, प्री है। ठीक है, तो ये चैप्टर रहा, कुछ क्लासेस के हमने आंसर लिख दिए हैं, इसके भी जो है आंसर जब गार्जियन आएंगे तो मिल जाएगा, बाकी आप लोग इससे इसको जो है पढ़ते रहिए। थैंक यू।